झारखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि, कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार, टॉप पर है रांची। राजधानी समेत कई जिलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि कोविड के अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है। झारखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ने लगा है। राज्य में 14 जिलों कोरोना की जद में है। अब राज्य में कोरोना के 1000 से भी अधिक मरीज हो गए हैं। तेजी से राज्य के 24 जिलों में कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस 24 जिलों में राजधानी रांची एक बार फिर टॉप पर है। राजधानी में लगभग 400 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक समय था जब राज्य में मात्र 8-10 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाते थे। वहीं 20 जिलों में कोरोना संक्रमित का इलाज चल रहा है। केवल 4 जिले हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। राजधानी रांची में हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 50 से अधिक है। हालांकि रिकवरी की संख्या भी बढ़ रही है। इसके बावजूद शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 400 हो चुकी है। अगर जिलों की बात करें तो बोकारो में 70, चतरा में 6, देवघर में 126, धनबाद में 20, दुमका में 26, पूर्वी सिंहभूम में 170, गिरिडीह में 12, गुड्डा में 74, गुमला में 14, हजारीबाग में 50, जामताड़ा में 2, खूंटी में 7, कोडरमा में 10, पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मरीज है। वहीं झारखंड में फ्री बूस्टर डोज लगने शुरू भी हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने कोरोना रोधी प्रिकॉशन डोज यानी एंटी कोरोना प्रिकॉशन डोज को फ्री कर दिया है। इसके तहत 18 से 60 साल के लोगों को अब प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। सदर हॉस्पिटल समेत 19 शहरी टीकाकरण केंद्रों और 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।